तुम में से बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं ग्लैमर नहीं ला रहा हूँ चैनल पे। ब्रो, ग्लैमर लाने के लिए मेरी क्या जरूरत है? इंस्टाग्राम खोल के देख लो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे कमेंट पढ़ने के बाद मैं इंस्टाग्राम खोला और इंस्टाग्राम के सर्च रिजल्ट में क्या पहला रिजल्ट ये था। अच्छा नहीं था, अबे छोड़ ना, ग्लैमर ले। आई नो तुम में से बहुत ज्यादा लोग मुझे ठरकी समझते हैं, महा ठरकी समझते हैं, पर नहीं, ये सच नहीं है। ठरकी ना कैटेगरी बन चुकी है अभी। फॉर एग्जांपल, ठरकी जो तुम लोग हो, महा ठरकी जो मैं हूँ, और मेरे से भी ऊपर आते हैं महा ठरकी जो हमारे गुरुदेव पापा रंजीत शक्ति कपूर साहब आते हैं। बट आजकल इस कैटेगरी में इन सबको टॉप किया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कैमरामैन ने। बाय गॉड, अगर तुमने वो मैच देखा है ना, तो एक लड़की है जिसके बारे में तुम भी जानते होगे। देखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं गरीब हूँ। नहीं, घर में टीवी है पर मेरे को वीडियो बनानी होती है घर में खाना चाहिए। बट अगर तुमने मैच नहीं देखा, तुमने सोशल मीडिया पे ये फोटो जरूर देखी होगी, और बाय गॉड तुम्हारे दिल से भी आवाज आई होगी। पार्टीशन का दुख इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। ये वही लड़के जिसे देख के दिल से आवाज आ जाती है। रुक तो जा, तू है कौन? ये तो बता, तू है कौन? कहां से आई है, कहां को जाएगी? पागल लड़की मुठ मरवाएगी। कौन बोला? मैं नहीं बोला। ये आई नो ऐसे कुछ चिंदी चोर होंगे ना, जो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे, साले मेरे से बड़ा ठरकी कोई नहीं, मेरे से बड़ा हरामी कोई नहीं। लास्ट टाइम मुझे फेस टू फेस एक ऐसा बंदा मिला था जो मुझे समझा रहा था ये बातें। लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। तभी पीछे से आके उस चूतिये को कुत्ते ने काट लिया। कर्मा इज अ बिच ब्रो। तुम मुझे जज कर रहे हो, आई नो, बट लड़की देख रहे हो तुम, शक्ल से लगता संस्कारी है यार। मतलब मेरा वाला संस्कार नहीं, रियल वाला संस्कार। पर ना इंडिया में ऐसी ऐसी लड़कियां, मतलब एक लड़की आके मुझे बोलती है, अगर मैं तुम्हें रोज दूंगी क्या तुम उससे शादी करोगे? अबे अगर तुम मुझे रोज देगी तो शादी की क्या जरूरत है? अश्लील है ये लौंडा। इंडियन एड्स। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग टीवी देखते हैं और कितनी देर तक टीवी देखते हैं, बट अगर तुम देख रहे हो या तुमने अभी तक एड ब्लॉकर नहीं लगाया यूट्यूब पे, तो तुम्हें कुछ एड्स दिखते हैं। एंड एक बात जान के जिसे तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि मुझे हुई थी, जाकिर भाई इंडियन टीवी में आ रहे एड्स में। जाकिर भाई ने अपनी बात सच कर दी, तुम भी यही हो, हम भी यही है। मतलब लिटरली जब मैं टीवी में बैठ के एड देख रहा था, जाकिर भाई आए और दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई, तुम भी यही हो, हम भी यही है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जाकिर भाई की ना, एक्टर बहुत अच्छे हैं, एक नंबर एक्टर है। प्लस उनकी यार टीवी में बहुत लिमिटेड होती है, बट अगर वो एड तुम यूट्यूब पे देखते हो तो बहुत लंबी एड होती है और वो एक प्रॉपर स्टैंड अप होता है, विच इज ग्रेट। सब कुछ एक नंबर चल रहा था, बट फिर मैंने एक एड देखा कल अपनी ही वीडियो पे, वो किसी ऐप का एड था, और तब से मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है खौफनाक सपने आ रहे मेरे को। आई नो तुम जानना चाहते हो किस ब्रांड का एड है, बट मैं ब्रांड नेम नहीं बताऊंगा क्योंकि जाकिर को पैसे मिले मुझे नहीं। तेरे भाई में भी दम है। तो ये एड की शुरुआत होती है, जाकिर भाई बैठ के कैमरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंड अप बाद में पहले यूट्यूबर है हम, तो हमारा काम यही है कैमरे से बात करना। और वो बोल रहे होते कि यार माँ बाप इज्जत नहीं करते, उनको लगता पैसा बाहर आ लौंडा। इतने में साइड में बैठे हुए रूम से दो लोग बोलते हैं, अच्छा हम पार्टी करने का सोच रहे थे। अबे बंदा रो रहा है, पैसे खत्म हो जाते, ज्यादा पार्टी कर ली, माँ बाप इज्जत नहीं दे रहे, पार्टी सब कुछ सही था। बट इसके नेक्स्ट शॉट में बंदा बेड पे लेटता है, और मतलब स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, मार्केटिंग वाले को तारीफ करता हूँ मैं, पर जो कैमरा मैन है एक नंबर का हरामी है, टॉप एंगल से रिकॉर्ड करता है। भाई गॉड, ये देख के ना मुझे गेंडा स्वामी याद आ गया, तिरंगा से। मैं कौन हूँ? राजकुमार जानी, हम तुम्हें जरूर मारेंगे, पर वो दिन भी हमारा होगा, वो वक्त भी हमारा होगा, और वो क्या फिर नाना पाटेकर। अच्छा है ये गेंडा स्वामी मेरा बच्चा है, ये ज्यादा हो गया। इतना अच्छा एड था, टॉप एंगल लेने की क्या जरूरत थी? समझ में नहीं आ रहा जाकिर खान की मुथैया मुरली धारण। ए रेसिस्ट है तू, रेसिस्ट। यार जस्ट जोक्स मैन, टेक इट लाइटली। एंड ट्रस्ट मी, आई लव दिस एड, आई लव जाकिर भाई। तो जाकिर भाई जो भी करते हैं ना, ऑटोमेटिकली मुझे पसंद होता है, एक्सेप्ट इस शॉट के एड, बाकी पसंद थी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। कल की वीडियो में मैंने गाना प्ले किया था, और मुझे लगा नहीं था कोई बड़ी डील होगी, बट तुम में से बहुत सारे लोगों को गाना पसंद आया। फ्लैशबैक, आज शरारत करने दे बंदी, तू है हसी, लंबी जुल्फे लंबी हील, लंबा मेरा भी है बड़ा आजमाले, इसको भी करने दे, मुझे करने दे, आज शरारत।
शरारत करने दे। और तुम में से बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते ये गाने का नाम क्या है, ये गाना किसने गाया, ये गाना कहाँ पे मिलेगा, ये गाना रिलीज नहीं हुआ, ये गाना मैंने लिखा, ये गाना मैंने गाया, मेरी आवाज है वो और वीडियो में भी मैं था। तो ये गाना मेरी एल्बम का जो आएगी दिसंबर में, आई नो बहुत लेट है, बट मैं डेली वीडियो करता हूँ तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी एल्बम पे फोकस मार सकूं, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है चीजें करने में और इसलिए मैंने इतना टाइम रखा हुआ है। थोड़ा सबर करो, तुम्हें और भी गाने दिखेंगे। और बाय गॉड एल्बम, अभी नाम नहीं बताया मैं तुमको एल्बम का, पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। 6-7 गाने होंगे, फ्री गाने होंगे और एक नंबर गाने होंगे तुम्हारे टाइप के, आई मीन मेरे टाइप। थोड़ा सा इंतजार करो। इंस्टाग्राम पे मैंने तुमसे पूछा था तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग कह रहे थे Q&A, और तुम्हें पता है मुझे Q&A से कितना प्यार है और मैं करना नहीं चाहता उसे। तो मैंने तुमसे पूछ लिया Q&A या आई डे यू, और तुम में से बहुत ज्यादा लोगों ने कहा आई डे यू। तो अगर तुम्हारे पास कोई टास्क है मेरे लिए कमेंट करो, मुझे बताओ, और नेक्स्ट फ्राइडे स्पेशल में हम लोग आई डे यू करेंगे। बाल कटवाने यार, बालों से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, बाल खत्म होने वाले हैं, तो अगर कोई डेयर है बालों से रिलेटेड दे दो क्या पता कल होना हो। और इसी नोट पे यानी रूम वर्ल्ड होगा ये एपिसोड ही खत्म करने। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शाउट आउट जा रहा है डॉक्टर बैनर्जी को। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन वीडियोस में, शेयर दिस वीडियो, टैग इन दैट पोस्ट, और क्या पता अगली वीडियो में तुम्हारा नाम हो। एंड जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से जो शेयर नहीं करने वाले, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, क्योंकि अभी के लिए इतना काफी। आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए Peace out! जाकिर भाई को लिखने का बहुत शौक है, वो शायरी लिखते हैं, और लिटरली मुझे उनकी शायरियाँ बहुत पसंद है, और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जिनको शायरियाँ बहुत पसंद है। मैंने कहा क्यों ना हम भी एक बार मुशायरा ट्राई करें, तो अर्ज किया है मुशायरा भी ज्ञानी। प्यार को हासिल करने के लिए जिंदगी में हम हारने लगे, इतना खुश रहते थे कि खेल खिलाने लगे, सोचा था दिन जाकर इंटेंस वर्कआउट करेंगे, लेकिन हम तो कमबख्त रोज हिलाने लगे। वाह रायता फैल गया, क्या करना तीर चला के जब धार हो तलवार में, क्या करना तीर चला के जब धार हो तलवार में, क्या करना ब्रा उतार के जब माल छुपा सलवार में। बहुत गालियां पड़ेंगी बाबा, बहुत गालियां पड़ेंगी आज। खत्म हो गई दारू, खत्म हो गया चकना, अर्ज गया है खत्म हो गई दारू, खत्म हो गया चकना, गांड मारने आ रहा हूं सलवार खोल के रखना। सपना मैं सही बता रहा हूँ, मैं दिल से जानना चाहता हूँ ये बात, तुम में से किसी को पता है क्या नेक्स्ट मैच में ये आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये आ रही है ना, तो उस दिन उम्मीद मत करना कि मैं वीडियो बनाएगा। ना, उस दिन मैं पूरे दिन टीवी के सामने बैठेगा और गाएगा, जरा तस्वीर से तू निकल के साथ। देखो ये सब मजाक होता है, प्लीज पर्सनली मत लेना, मुझे मालूम है बहुत क्रीपी, बहुत डिस्गस्टिंग होता है, बट क्या करूं, ये कॉमेडी है, बहुत लोगों को पसंद आती है, मुझे खुद पसंद नहीं होती है, बट क्या करूं। एंड जो भी ये लड़की है सॉरी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं लड़कियों की, बट कैमरे पे बस करना पड़ता है मुझे, मजबूरी है, घर पे खाना चाहिए। अबे मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं, जिसके बारे में तो मैं कई बार बताया, लड़की फीमेल फ्रेंड कूल सतलोंडिया हरामी लड़की, तो मेरे पास 2 चॉकलेट थी और मैं उससे मिला रास्ते में, तो मैंने पूछा चॉकलेट खाएगी, बंदी पलट कर मुझे कहती है तू पहन के आएगा, अबे हम पब्लिक में थोड़ा तो संस्कार रख। एक लड़के ने लड़की को बोला मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम बोलो तो तुम्हारा नाम अपने हाथ पे, अपने दिल पे, अपनी छाती पे लिखवा लेता हूँ। बंदी पलट कर बोली अगर सच्चा प्यार करते हो और नाम लिखवाना ही चाहते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर में लिखवा दो, इकोनॉमिकल जो के लौंडो समझो, हाथ पे मत लिखना बे और ना ही प्रॉपर्टी पे। लड़का लड़की को कहता है बेबी तुम्हारी आंखें खुली किताब की तरह हैं। लड़की पलट कर जवाब देती है अबे हरामी नीचे लाइब्रेरी में आग लग गई तू किताबों में घुसा पड़ा, जो समझ गई बात ये है को लीव अ लाइट। एक बार एक लड़की अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी के पास गई और उसने आंटी से पूछा आंटी क्या ये सच है जहाँ पे लड़के एल डालते हैं वहीं से बच्चे होते हैं? आंटी पलट कर जवाब देती है हाँ बेटा ये बिक गई है गवर्नमेंट पर ये सच है। ओह माय गॉड इसका मतलब मेरे मुंह से बच्चे होंगे, जहर दे दो, फिनाइल दे दो, ये अमित भदाने की वीडियो दिखा दो, मैं जीना नहीं चाहता इस टाइम। तुम में से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि मैं फेस्टिवल के टाइम पे कुछ भी फेस्टिवल कवर नहीं करता, या देखो फेस्टिवल ठीक है अच्छी बात है, त्योहार है ठीक है अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात मुझे त्योहार की यही लगती है कि कोई भी भूखा पेट नहीं सोता मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल में, क्योंकि सबकी इंसानियत जगी होती है, तो विच इज गुड। बट मैं गरीब है, त्योहार अमीरों के लिए होता है, हम गरीबों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पीने के लिए दारू और पहनने के लिए लड़के मिल जाए हम खुश है। देखो अगर मुहूर्त में भगवान ढूंढोगे ना जिंदगी भर तलाश खत्म नहीं होगी,
इंसानियत में भगवान ढूंढो, क्या पता मरने के बाद जन्नत के सपने तो सब देखते हैं, पर अगर तुम इंसानियत में भगवान ढूंढोगे तो क्या पता ये दुनिया ही जन्नत बन जाए। ट्रू सुगरी ब्रो। By the way, I'll be streaming live on my second channel. Go subscribe me there.